हेलो प्रिटी गर्ल्स। तो आज के वीडियो में मैं मेरा सेलेट कॉस्ट हॉल का वीडियो शेयर करूंगी। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे सेलेट कॉस्ट से, जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले के वीडियो में बताया था। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे प्रोडक्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिए। एंड अब चलिए हॉल शुरू करते हैं। तो मैंने जो सेलेट कॉस्ट का ऑर्डर है वो मैंने 28 फरवरी को प्लेस किया था, एंड मुझे 22 मार्च को रिसीव हुए सारे प्रोडक्ट्स। तो इट टुक मोर देन 20 डेज फॉर द डिलीवरी। तो आपको 10-15 दिन तो रुकना ही पड़ेगा डिलीवरी के लिए, अगर आप सेलेट कॉस्ट से ऑर्डर कर रहे हो तो। तो ये काफ़ी अच्छे से रैप होके आया है, बबल रैप में। पहले तो ये प्लास्टिक है जिसमें है सारे प्रोडक्ट, और उसके अंदर भी आप ये देख सकते हो काफ़ी अच्छे से प्लास्टिक में बबल रैप है। आई मीन जैसे बबल रैप में काफ़ी अच्छे से पैक है। तो मैं अभी ये ओपन करती हूँ और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैकिंग हुई है, नो डाउट। तो जो मेरे हाथ में आएगा मैं आपको वो दिखाते जाऊँगी। तो सबसे पहला ये आ रहा है, तो ये टॉप है, मैं ओपन कर देती हूँ। काफ़ी सिंपल एंड प्यारा सा टॉप है, एंड मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया था वो मीडियम है। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारा है, एंड मैं ये ज़रूर पहनूंगी। एंड जो मटेरियल है कपड़े का वो काफ़ी अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कि ख़राब है मटेरियल अगर कम कॉस्ट का प्रोडक्ट है तो। तो इट्स रियली गुड। अब मैं सेकेंड प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको। ये एक कटर है, इसका टमाटो कटर या यू कैन से ऑनियन कटर। तो मैंने सुना है कि जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं इन ट्रांसिट। अगर आप क्लब फैक्ट्री से भी खरीदते हो तो भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स टूटे हुए मिलते हैं, तो इसलिए मुझे ख़रीदना था। मैं और एक दो प्लास्टिक के प्रोडक्ट भी खरीदी हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये है ऑनियन टमाटो कटर, तो काफ़ी लाइक छोटा है, हैंडी है, एंड किचन में बहुत काम आ जाता है ऐसा प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीदा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है, ये ऑक्टोपस ट्राइपॉड है, एंड लाइक छोटा ट्राइपॉड है ये। तो आप देख सकते हो ये छोटू सा ट्राइपॉड है, तो ये मैंने ब्लू कलर में ख़रीदा था। तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में आया है। नेक्स्ट मैंने ये ख़रीदा है, ये बम्पिट्स है, लाइक अगर आपको पफ बनाना हो हेयर में तो आप इससे पफ बना सकते हो। तो ये बड़ा वाला है, अगर आपको लाइक बड़ा पफ चाहिए तो। ये मीडियम साइज़ वाला है, एंड ये सबसे छोटा है। अगर लाइक आपको डेली वेयर में एक छोटा सा पफ बनाना हो तो आप बना सकते हो। एंड यू गाइस नो कि मैं हेयर स्टाइल्स में कितनी बुरी हूँ, इसीलिए मैंने ये पफ्स खरीदे या ये बम्पिट्स खरीदे पफ बनाने के लिए। अब नेक्स्ट मैंने ये ग्लव्स खरीदे हैं, मतलब मुझे सिर्फ ग्लव्स ख़रीदने थे ये वाले, इसलिए मैंने ख़रीदे। बिकॉज मुझे बहुत लाइक अच्छा लगा ये ग्लव्स, इसीलिए मैंने बस ख़रीद लिया ऐसे ही। तो आप देख सकते हो, मैं आपको बस पहन के दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड बहुत ज़्यादा दिल में था कि मैं ख़रीदूँ बस, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया। तो आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं। तो ये हो गया ग्लव्स, एंड नेक्स्ट मैंने फिर से एक प्लास्टिक आइटम खरीदा, एंड ये
इज ट्रेनर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप इसमें लाइक राइस, दाल, जो भी आपको लाइक पानी में लाइक धोना है, लाइक यू कैन वॉश राइस एंड दाल इन दिस, एंड फिर आप स्ट्रेन भी कर सकते हो इसी में पानी। तो इसीलिए मुझे ये चाहिए था, ये ख़रीदना था, तो इसलिए मैंने ख़रीदा। एंड प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में बिल्कुल लाइक एक क्रैक भी नहीं है, एंड प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स तो काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट मैंने ये ख़रीदा है, तो ये एक कपल ईयरफोन्स का, जो बोलते हैं ना, यहाँ पे दो ईयरफोन्स लगा के आप ये लाइक प्लग इन कर सकते हो अपने फ़ोन में, एंड फिर यहाँ पे दो ईयरफोन्स लगा के यूज़ कर सकते हो। तो इट्स रियली गुड, आई लाइक इट। एंड नेक्स्ट फिर ये वाला है, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो या अगर आप जानते हो तो आईफोन का जो चार्जर होता है वो काफ़ी वीक होता है, तो उसके लिए है ये, चार्जर को सपोर्ट करने के लिए है ये। और इसके साथ मुझे ये एक एक्स्ट्रा मिला, आप देख सकते हो, मतलब ये डिटैचेबल है, ये आप निकाल सकते हो, मैंने ये अटैच किया अभी जस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस प्रोडक्ट। तो ये जो नेकलेस है, मैंने ये नेकलेस ऑर्डर किया था, एंड लिटरली ये ही मुझे सबसे ज़्यादा लाइक यू नो पसंद था इस पूरे हॉल में, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दिस नेकलेस, एंड यही टूटा निकला। लिटरली यू कैन सी गाइस, ये देख सकते हो आप, आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड, पता नहीं अब क्या करूँ मैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आप इतने में एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते थे। मुझे ये नेकलेस बहुत बहुत टाइम से लाइक ख़रीदना था, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम से, तो इसलिए मैंने ख़रीदा, बट ये टूटा निकला, एंड आई एम रियली सैड शिट। मतलब मुझे ये चाहिए था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, एंड लिटरली टूटा हुआ निकला। व्हाट टू डू, मैं ट्राई करूँगी कि कुछ करूँ, फिक्स करूँ उसको किसी तरीके से, अगर होता है थोड़ा बहुत भी तो आई विल ट्राई डेफिनेटली। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल से सेलेट कॉस्ट का प्रोडक्ट्स के बारे में ये होगा कि अगर आप प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हो सेलेट कॉस्ट से, तो जो डेलिकेट प्रोडक्ट्स या डेलिकेट आइटम्स है वो मत खरीदिए, जैसे कि डेलिकेट नेक पीसेस, नेकलेसेस या और कुछ भी जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट लग रहे हैं आपको देख के ही, तो वो सब मत खरीदिए। और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आप ज़रूर ख़रीद सकते हो, बिकॉज मैंने ख़रीदा है प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में, बिल्कुल स्क्रैच क्रैक कुछ नहीं है, बहुत अच्छे कंडीशन में, तो आप ख़रीद सकते हो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स। एंड क्लोथिंग से रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट ख़रीद सकते हो, तो जैसे कि मैंने ये ग्लव्स और ये टॉप ख़रीदा है, एंड काफ़ी अच्छे कंडीशन में रिसीव हुआ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ख़रीद सकते हो अगर आपको ख़रीदना है तो। बाकी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डेलिकेट प्रोडक्ट्स या डेलिकेट आइटम्स बिल्कुल मत ट्राई कीजिए अगर आप सेलेट कॉस्ट से ख़रीद रहे हो तो, और काफ़ी अफोर्डेबल है सेलेट कॉस्ट, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बताया मेरे, तो ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको ट्राई करना है। बस वो एक बात याद रख लीजिए कि डेलिकेट प्रोडक्ट्स, डेलिकेट आइटम्स, डोंट परचेज देम। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको ये हॉल अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो हॉल को, एंड आई एम रियली सैड फॉर दिस नेकलेस, सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू समथिंग, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये नेकलेस, इसलिए मैंने ख़रीदा। तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, एंड अदरवाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक कीजिए लाइक बटन नीचे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मुझे मेरे सारे सोशल मीडियाज़ पर फॉलो कीजिए, एंड दैट्स इट प्रिटी गर्ल्स, लव यू प्रिटी गर्ल्स, बाय बाय।